बताया था उससे संयोजकता के बारे में, लिगेंड के बारे में बताया था, ठीक है, और प्रभावी संख्या ई ए एन नंबर बताया था। आज मैं आपको बता रही हूँ किले, कि ग्रीक से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है पंजा, ढांचा या एक चक्री संरचना, जिसे क्या कहते हैं किले। ये केले के पंजे के समान भी स्ट्रक्चर कहा जा सकता है इसको। इसको सबसे पहले मॉर्गन ने बताया, ये चक्री संरचनाओं के लिए किया जाता है, जो साइक्लिक संरचनाएं हैं इसके लिए किलेट का उपयोग किया जाता है। जब कई बहुगंतुर, बहु मतलब कई, दो और तीन और कई लिगेंड धातुएं लिगेंड के केंद्रीय साथ, मतलब एक जो धातु है उसके साथ कई लिगेंड जो केंद्रीय धातुआन के साथ जुड़े होते हैं, जैसे आप ये देखिए धातु है इसके चारों तरफ ये लिगेंड लगे हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, किलेट कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक स्थान पर ये जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इनके जो गुण जो होता है, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कॉपर है, देखिए इसके चारों ओर देखिए CH2 bond NH2 कॉपर सेंटर केंद्रीय धातु हो गई, धातु आयन हो गया, और इस धातु आयन के साथ ये जो लिगेंड लगे हैं ये कठोरता से जुड़े हुए होते हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं किससे, सेंट्रल मेटल धातु जो होती है उसके साथ कैसे रहते हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं, ओके। ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। किले क्या होते हैं, स्टेबल या स्थायी होते हैं। ये रिंग फॉर्म में होते हैं, रिंग फॉर्म या चक्रीय संरचना में होते हैं। जितनी ज़्यादा रिंग बनेंगे, जितनी ज़्यादा रिंग या चक्र बनेंगे, उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा या किले स्थायी होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट में गलनांक कम होता है। कार्बनिक विलायक जो होते हैं, है ना, कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक सॉल्यूशन जो विलायक जो होता है उसमें क्या होते हैं, ये विलेय होते हैं या ये घुल जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको किलेट के बारे में बताया कि क्या है। अब देखिए किलेट यौगिकों का या जो किलेट कंपाउंड का क्लासिफिकेशन या किलेट यौगिकों का वर्गीकरण, तो ये टू टाइप का है, पहला द्विदंती और दूसरा त्रिदंती। द्विदंती मतलब बायोडेटर और ट्राइडेंट, ठीक है। तो बाय से सीधे समझ में आ रहा है कि दो, जिसमें दो लिगेंड जुड़े हुए हों, दो समूह जुड़े हों, और दूसरा त्रि यानी कि तीन तीन का पेयर, ठीक है, तीन तीन जुड़े हों, त्रिदंती सहसंयोजी या उपसंयोजी जो तीन रूप में जुड़े हुए होते हैं, वो द्विदंती का मतलब दो, दो दांतों का दो भागों का जुड़ना। तो पहले देखिए बायडेंट या द्विदंती, द्विदंती का मतलब इसमें दो सहसंयोजी समूह या दो भाग जुड़े हुए होते हैं। जैसा उदाहरण देखिए, ये देखिए सेंट्रल मेटल धातु और इसके साथ ये देखिए ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अम्ल जुड़ा हुआ है प्लेटेनियम के साथ। फिर देखिए एक सहसंयोजी और एक उपसहसंयोजी, इसमें क्या हो, एक सहसंयोजी हो और एक उपसहसंयोजी हो। अभी मैं क्या बता रही हूँ आपको द्विदंती के बारे में, तो पहला हो गया दो सहसंयोजी समूह का, दूसरा इसी में होता है एक सहसंयोजी समूह और एक उपसहसंयोजी समूह, ठीक है। जैसे कॉपर ग्लाइसिनेट उदाहरण है, कॉपर ग्लाइसिनेट, तो कॉपर ग्लाइसिनेट इसका एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हो गया दो उपसहसंयोजी समूह, इसमें क्या हो, दो उपसहसंयोजी समूह जुड़े हुए हों, तो दो उपसहसंयोजी में उदाहरण है एचटी एसीटोन, इसका उदाहरण है एचटी एसीटोन। ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, आप दो तीन बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है त्रिदंती या ट्राइडेंट, ठीक है। त्रिदंती से किसी ने समझ में आ रहा है कि तीन सहसंयोजी समूह इसमें जुड़े हुए। पहला कैसा हो गया, टार्टिक इमेट, टर्टल इमेट, टर्टल इमेटिक जो होता है, इसमें तीन सहसंयोजी समूह है। टर्टल इमेट जो है ये इसका फॉर्मूला है, इसमें तीन सहसंयोजी समूह है। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग है दो सहसंयोजी समूह और एक उपसहसंयोजी समूह, मतलब दो सहसंयोजी समूह जुड़ा हो और एक उपसहसंयोजी समूह जुड़ा हो, जैसे एस्पार्टिक अम्ल, तो ये एस्पार्टिक अम्ल इसका उदाहरण लिखेंगे। इसके बाद एक सहसंयोजी समूह तथा दो उपसहसंयोजी समूह जुड़ा हो, इसको क्या कहेंगे अपन, डाइएमिक प्रोपियानिक इसका उदाहरण है। तो जो ये स्ट्रक्चर है इनको आप आसानी से बना सकते हैं तब फार्मूला याद करने के बाद, ठीक है। इसके बाद एक होता है आपका नेक्स्ट, इसका है और होता है डी, तो ए बी सी डी, देखिए ए एक नंबर, दो तीन चार, और एक और होता है जिसको कहते हैं तीन उपसहसंयोजी समूह, जिसमें क्या लगे होते हैं, तीन उपसहसंयोजी समूह, इसका उदाहरण है ट्राईएमीन प्रोपेन, इसका उदाहरण क्या है, ट्राईएमीन प्रोपेन। फिर देखिए इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में, किलेट का उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है,
औषधि के रूप में, औषधि तथा रंगाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है शरीर में रेडियो संहिता धातुओं के जो होते हैं हटाने के लिए EDTA के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जल को मृदुल करने में या सॉफ्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी किलेट का उपयोग है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, तो इसको आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको